हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस कार्विंग डोर के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, ये हमने कार्विंग चार पैनल में किया हुआ है। इस ये पहला पर ऊपर के टॉप के पैनल दो हैं, तो इसकी डिज़ाइन देख लीजिए कैसी है। इसमें मैंने 4 mm का बॉलनस यूज़ किया है और 10 mm की डिप दी है। देख लीजिए, इसकी फिनिशिंग एकदम सुपर फिनिश था। देखिए, ऐसा लग रहा है, जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की कार्विंग की डोर की मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ। मेरे पास CNC लेजर, CNC राउटर दोनों मशीन है, जिसमें मैं आपको हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ। देखते जाइएगा। अगर आपको इस तरह का कोई भी चीज़ पसंद होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा वर्कशॉप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है। वही वर्कशॉप का नाम हाईटेक इंजीनियरिंग है। मेरा नाम है मुकेश चौहान। देखिए, ये कार्विंग करते हुए का ये मेरी कार्विंग मशीन है, 4x8 की ये मेरी मशीन है। इसमें हमने 4 mm का बॉलनस यूज़ किया है। देखिए, बॉल फिनिशिंग के लिए कभी भी बॉलनस यूज़ किया जाता है, और बाकी रफिंग फिंग करना है तो आप टू फ्लूट एनबिल्ट से भी कर सकते हैं, बट इसमें हमने डायरेक्ट करते हैं। ये देखिए, दूसरा पैनल जो नीचे बॉटम के जो पैनल थे उसकी डिज़ाइन देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था। देखिए, आप लोग भी पसंद आएगा। इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई थी। देख लीजिए, ये मेरे वर्कशॉप में मैंने पूरा बनाया हुआ है। देखिए, तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बॉटम में जो लगने वाला था, डोर के बॉटम में कपड़े थे, इसे हमारे यहाँ दिलहा कहते हैं। कई लोग डोर पैनल भी कहते हैं, तो जैसा आप हर इलाके का अलग अलग, हमारे यहाँ इसको दिलहा कहते हैं। दिलहे के ऊपर करने के बाद ये उसके फ्रेम में जाके इसको डाल के फिक्स किया जाता है। इसमें ग्रुप कटा होता है, इस वजह से। देख लीजिए, और ये देखिए, इसका पूरा फिनिशिंग देखिए, बहुत मस्त फिनिशिंग आई थी। इस कस्टमर भी देख के बहुत खुश हो गया था कि इसकी सुपर फिनिश। मतलब मैंने, क्योंकि छोटा टूल यूज़ किया ना सर, अगर आप बड़े टूल यूज़ करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए, चारों पैनल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। चारों पैनल भी देखिए कैसा लग रहा है। अगर आपको इस तरह का कोई भी डोर पैनल कार्विंग कराना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा वर्कशॉप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में है। तो आपको अगर आसपास कहीं किसी जिले पे हैं, जैसे आपको मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, इस तरह कहीं हैं, गोरखपुर के पास तक के हैं, अगर आपको इस तरह का कोई कार्विंग का कराना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास मिल रहा होगा तो आप आसपास करा लीजिएगा, अगर ना मिल रहा हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और अगर ऐसा कोई डिज़ाइन भी आपको चाहिए होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आपको कोई कैटलाग चाहिए होगा, अब मेरे पास मेटल का भी काम होता है और वुड में भी काम होता है। अगर आपको कोई भी कैटलाग, डोर, विंडो, रेलिंग, किसी की भी जरूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर कर दूंगा कैटलाग। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल मेरा थोड़ा नया है, तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है, और एंड में मेरा विजिटिंग कार्ड भी लगाया हुआ है। तो इसमें से आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो स्क्रीनशॉट लेके अगर आसपास कहीं है तो उससे बनवा सकते हैं, या आपको इस तरह का कोई बनवाना भी हो तो आप गूगल से, इसमें मुझे कस्टमर ने गूगल से निकाल के दिया था, मैंने उसको बनाया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा वीडियो विजिटिंग कार्ड रहा।